तो वहीं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने एक और कड़ा कानून पेश किया है। ब्रिटेन में रहने वाले एनआरआई यानी अनिवासी भारतीयों को भारत में बैंक एफडी, स्टॉक मार्केट और रेंट से मिलने वाली आय पर मिलने वाली टैक्स छूट को 15 साल से घटाकर 4 साल कर दिया गया है। ब्रिटेन में रहने के 5वें साल से एनआरआई को भारत में होने वाली आय पर 50% टैक्स देना पड़ेगा। अब तक एनआरआई को 15 साल तक केवल ब्रिटेन में प्राप्त होने वाली आय पर टैक्स देना पड़ता था। नया कानून अगले साल अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। लंदन के टैक्स कंसल्टेंट सौरभ जेटली ने बताया कि नए नियम के बाद ब्रिटेन में रहने वाले 5 लाख एनआरआई में से लगभग 50,000 ने दुबई शिफ्ट होने का प्लान बनाया है।